किसी भी देश की की सभ्यता और साथ में संस्कृति का आधार होते हैं आध्यात्मिक गुरु साधु और संत हमारे भारत देश की सभ्यता और साथ में संस्कृति के उत्थान में आध्यात्मिक गुरुओं का साधु एवं संतों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है जिनमें से एक संत हैं संत रविदास जिन्हें हम सभी रैदास के नाम से भी जानते हैं संत रैदास की लिखी हुई कविताएं उनके विचार जीवन जीने का एक नया संदेश देते हैं और साथ ही सामाजिक जीवन में एक नवीनता लेकर के आते हैं मन ही पूजा मन ही धूप मन ही पूजा मन ही धूप मन ही सी सहज स्वरूप जी हाँ संत रैदास ने बहुत अच्छी बात कही है कि आपका मन आपके मुख का आईना होता है जैसे विचार आपके मन में होते हैं वैसे ही विचार आपके चेहरे पे प्रकट होते हैं अगर आपका मन पवित्र है तो आप ईश्वर की सच्ची भक्ति कर रहे हैं इसलिए अगर आपको ईश्वर को पाना है तो सबसे पहले आपको आपके विचारों को आपके मन को पवित्र करना होगा और साथ ही उन्होंने कहा कि लक्ष्य विहीन जीवन और साथ में कर्मविहीन प्राणी का होना इस संसार में न होने के बराबर है क्योंकि ईश्वरीय वरदान मनुष्य का बहुत बड़ा आभार होता है कि जब इंसान को एक मनुष्य योनि मिलती है तो ईश्वर का अमूल्य वरदान होता है आज के इस भागते दौड़ते युग में आप बिल्कुल मशीन ना बने परंतु आप कर्म करना भी ना छोड़ें क्योंकि आपका कर्म ही आपके जीवन के लक्ष्य को निर्धारित करता है और एक आपको सुखद अनुभूति देता है आपके जीवन को एक नया आयाम देता है तो इसी प्यारी सी सोच के साथ में आप सभी का हार्दिक स्वागत और साथ में अभिनंदन स्वीकार कीजिए कुलदीप का नमस्कार जैसा कि मैंने आपको कहा संत रैदास के विचारों ने इस समाज में एक क्रांति लेकर के आए और साथ में संत रैदास के विचारों को हिंदी साहित्य में प्रमुखता से स्थान दिया गया ताकि जनमानस तक उनके विचार पहुंच सके और समाज को जीवन जीने की एक नई दिशा मिल सके और आज हमारे साथ एक ऐसी महान शख्सत मौजूद है जिन्होंने हिंदी साहित्य में सिर्फ अध्ययन अध्यापन का कार्य ही नहीं किया बल्कि उन्होंने हिंदी साहित्य को जिया अपने अंदर आत्मसात किया और अपने शिक्षण कार्यकाल के दौरान अपने विद्यार्थियों को हिंदी साहित्य की बहुत गोढ़ जानकारी प्रदान की आपने बहुत सारी किताबें लिखी लेख लिखे रचनाएं लिखी कविताएं लिखी और हिंदी साहित्य के खजाने को और ज़्यादा समृद्ध किया तो लीजिए आपकी मुलाकात कराते एक महान साहित्यकार शिक्षाविद डॉक्टर सत्यनारायण व्यास जी से सर आपका बहुत बहुत स्वागत और सत्य अभिनंदन धरती धुरारी कार्यक्रम में धन्यवाद सर आप यहाँ हैं उसके लिए एक बार आपका पुनः धन्यवाद और सर हम हमारी बातचीत का सिलसिला शुरू करें तो हम सबसे पहले आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में जानना चाहेंगे मैं भीलवाड़ा जिले के हमीरगढ़ नामक गांव में जन्मा सन उन्नीस के 10 अप्रैल को और ये मेवाड़ अंचल के रूप में भी जाना जाता है जिसका खास केंद्र चित्तौड़गढ़ है और वहाँ मैं जन्मा और मेरे माता पिता दोनों ही संस्कृत के विद्वान और विदुषी थे तो शुरू से ही जब से आँख खोली जब से होश संभाला गीता के श्लोक सुनने को मिले महाभारत की कथाएं सुनने को मिली वाल्मीकि रामायण रामायण कालिदास के ग्रंथ इन सब की चर्चाएं मुझे पिताजी माता जैसे मिली कई स्तोत्र मुझे संस्कृत के कंठस्थ हो गए जबकि मैं पढ़ने लिखने में भी नहीं जानता था तो तब से मेरा ये ऐसा परिवेश रहा परिवार का जो संस्कृत और हिंदी साहित्य दोनों से जुड़ाव जिसका रहा है यही संस्कार मुझ में आके आगे आकर के पल्लवित हुए हैं क्या बात है सर यानी कि आपका जो बचपन था वो सर बड़ा ही संस्कारित रहा है और सर जैसा आपने बताया कि आपने इतने सारे ग्रंथों का अध्ययन किया बचपन से आपका पारिवारिक माहौल था तो वो बहुत अच्छी बात है आपने आपके जीवन का बहुत लंबा समय अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र में दिया है सर तो इस सफर को आप किस तरह से देखते हैं देखिए अपने भारतवर्ष की जो सबसे बड़ी मजबूरी मुझे जो अपने जीवन में मिली ये मिली कि आप अपनी रुचि और अपने पसंद के क्षेत्र का आप जो है वो व्यवसाय नहीं चुन सकते आजीविका नहीं चुन सकते जो मिल रहा है उसे लेना पड़ता है जी। तो मैं कम से कम बारह तेरह तरह के मैंने नौकरियां की हैं अपने जीवन में क्या बात है मजदूर है? से लेकर के प्रोफेसर तक की मेरी यात्रा रही है और सोलह साल की उम्र जब मेरी मूछे भी नहीं आई थी दाढ़ी नहीं आई थी तब से मैं नौकरी कर रहा हूँ और तब से लेकर के आज तक मैंने तेरह नौकरियाँ की हैं अलग अलग जगहों पर उनमें सबसे बढ़िया मेरी जो सर्विस रही उसको मैं अपना भाग्य मानता हूँ वह है हिंदी के प्रोफ़ेसर की और जहाँ तक मेरी पसंद का सवाल है तो सबसे अधिक मुझे इन तेरह नौकरियों में से जो क्लास पढ़ाने के प्रोफ़ेसर की नौकरी वही मुझे सबसे प्रिय रही है क्योंकि अध्ययन और अध्यापन मेरे डीएनए में व्याप्त रहा है और मेरे जीवन में मुझे लगता है आनुवंशिक मेरी अपील रही है जिसको मैंने निभाया है बाकी सब मजबूरी में करना पड़ा सर जैसा कि अभी आपने बताया कि अक्सर कहा जाता है कि इंसान अपनी जो उसका क्षेत्र होता है पसंदीदा उसके अंदर वो जा नहीं पाता है क्योंकि बहुत सारी मतलब मुसीबतें या कुछ बहुत सारी रुकावटें होती हैं तो सर मैं जानना चाहूँगा कि टीचिंग के क्षेत्र में आने का आपका बचपन से इरादा बन गया था जैसा आपके घर में माहौल था या आपके जीवन में कोई ऐसी विशेष घटना हुई जिसके कारण से आपने मानस बनाया कि मुझे शिक्षण क्षेत्र में ही जाना है शिक्षा और अध्यापन का मेरा जो लक्ष्य बना वो एम करते हुए बना जी एक बात और मैं आपको बता दूं कि मैं किसी भी कॉलेज किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा हूं लेकिन कॉलेज में प्रोफेसर बन के कई को पीएचडी एच करा के फिर मैं सेवानिवृत्त हुआ हूँ ये मुझे अपने आप में अपनी शक्ति अपने विल पावर अपने संकल्प शक्ति का मुझे लगता है अंदर कोई ऐसा स्रोत रहा है एम करते हुए मैंने पाया कि मुझे आगे पी भी करनी चाहिए जी। और उसके मैंने तैयारी एम ए में शुरू कर दी थी और विषय भी चुन लिया था कि मुझे किस पर पीएचडी करनी है पहला मेरा विचार था राहुल संक्रतैन पर जिन्होंने ढाई सौ किताबें लिखी हैं और जो छत्तीस भाषाओं के ज्ञाता थे फिर मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा विस्तार हो जाएगा इसलिए मैंने फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी पर अपना शोध ग्रंथ लिखा और एम करने के बाद ये शोध ग्रंथ भी मैंने पी भी प्राइवेट में की जिसमें स्वयं पाठी शिक्षार्थी के रूप में अपना अध्ययन पूरा किया और जहाँ तक इसकी पसंद का सवाल है अध्ययन और अध्यापन का तो जवाब नहीं मेरा ये मानना है कि कक्षा में अध्यापक हो चाहे स्कूल का चाहे कॉलेज का चाहे विश्वविद्यालय का अध्यापन भी एक सृजन कर्म है जी। एक क्रिएटिव जॉब है बिल्कुल सही कहा सर। उसमें वह अध्यापक प्राध्यापक जो है अपने छात्रों की हृदय रूपी डायरी में अपने जीवन के अनुभव और अध्ययन को लिखता है और कई छात्र तो भूल नहीं पाते कि आपने गुरु जी ये जो वाक्य कहा था इसने मेरा जीवन बना दिया तो ये सामने वाले के रिसेप्शन पर निर्भर है कि वो कैसे किस रूप में कोई लेता है और कक्षा में क्या सरस्वती का आवास होता है जब आप बोलते हैं तो आप नहीं बोल रहे हैं ये शरीर नहीं बोल रहा है भीतर से शारदा और वाणी का वही दिव्य रूप बोल रहा है जो सर्वत्र व्याप्त है इसलिए अध्यापन मुझे सबसे प्रिय कर्म लगा और मुझे लगता है कि इससे बढ़कर और कोई सुंदर बात नहीं हो सकती कि आप पढ़ें और पढ़ाए किसी को क्या बात है सर आपने बहुत अच्छी बात कही है कि मतलब जब इंसान बोलता है तो अंदर माँ शारदे का वास होता है और साथ में जैसे विचार होते हैं वैसे भी विचार सामने आते हैं और आपने आपके जीवन का लक्ष्य पहले ही निर्धारित कर लिया था तो सर आप जब पढ़ा रहे थे जब आपने बहुत सारे विद्यार्थियों को आपके सानिध्य में रह के आपने बहुत सारा ज्ञान प्राप्त किया उन्होंने तो आपके जीवन की कोई एक ऐसी घटना जो आपको आज भी याद हो घटना से मतलब यू की जिसको सर आप जब भी याद करते हो तो सर आपके चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है क्योंकि सर गुरु का मतलब होता है जो अंधकार से सर उ, उ, उजाले की ओर ले जाए हाँ मैं याद आया एम कक्षा में काव्य भी है तो उसमें निराला की एक राम की शक्ति पूजा में पढ़ाता था जी। और कबीर पढ़ाता था तो कबीर पढ़ाते हुए मैं इतना खो जाता था और मेरी सारी क्लास भी जिसको कहते हैं आत्ममुग्ध अवस्था में सम्मोहित अवस्था में आ जाती थी कि जो घंटा बजता था वो विद्यार्थियों को और मुझे दोनों को अखरता था और खास करके राम की शक्ति पूजा जब मैं पढ़ा रहा था उसके कई अर्थ हैं वो भारत की आजादी के आंदोलन के खिलाफ साम्राज्यवाद के खिलाफ भी एक एक कविता है लंबी निराला की तो वो पढ़ाते हुए मुझे लगता है छात्र ऐसे चिड़िया जैसे चौंझ खोल के बैठे ऐसे मेरे शब्दों को पीते थे और उनको बहुत अच्छा लगता था और मुझे भी लगता था कि ये शायद एक घंटा नहीं बसता ये क्लास ख़त्म नहीं होती तो अच्छा रहता और ये मुझे समय भी कम महसूस होता है ऐसा पढ़ाने का आनंद है क्या बात है सर आपने बहुत अच्छी बात की ही। मतलब कि जिस वक्त टीचर अपने बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं तो एक सर वो पूरा सामंजस्य बन जाता है एक सर वो तारतम्यता आ जाती है और स्टूडेंट्स बहुत कुछ सीखते रहते हैं आपने सर बहुत सारी किताबें लिखी हैं रचनाएं लिखी हैं कविताएं लिखी हैं तो सर कोई ऐसी रचना या कोई ऐसी कविता जो आपके दिल के बहुत ज्यादा करीब हो जो सर आप हमारे दर्शकों के लिए पेश करना चाहें सर एक कविता जो मुझे अच्छी लगती है जो आज के जमाने का दर्पण है देखिए साहित्य का पुराना सिद्धांत है कि साहित्य समाज का दर्पण है जैसा हमारा समाज और सभ्यता होगी वैसी कविताएं होंगी तो आज क्या है कि हमारा सारा समाज सारी दुनिया में एलिनेशन जिसको कहते हैं अलगाववाद जी सर बढ़ रहा है बड़े बड़े शहरों में सामने वाले के पड़ोसी का नाम नहीं जानता सबके दरवाजे बंद रहते हैं कोई किसी की डेथ हो गई किसी का मृत्यु भी हो गई तो उदास संस्कार में नहीं जाना चाहता नहीं जाता इन स्थितियों को मैंने ऑब्ज़र्व करते हुए एक कविता लिखी है पड़ोसी है। बोलते नहीं पड़ोसी बोलते नहीं पड़ोसी बोलते नहीं आजकल जिए जाते हैं वे बस अपने में पड़ोसी बोलते नहीं आजकल जिए जाते हैं वे बस अपने में जाते हैं घर से बाहर जाने कहाँ और बाहर से घर चले आते हैं आजकल न मिलते हैं न मिलाते हैं नज़रें किसी से न मिलते हैं न मिलाते हैं नज़रें किसी से चूहे की तरह अपने अपने बिल में घुस जाते हैं आजकल, पड़ोसी बोलते नहीं आजकल, हर शाम खाना लेकर बैठ जाते हैं वे टीवी के सामने हर शाम खाना लेकर बैठ जाते हैं वे टीवी के सामने कैसी हवा है चारों ओर कैसे तो हो गए हैं लोग किसी से मतलब नहीं क्या हो गया है इस ज़माने को कि फ़ोन किए बिना कोई किसी के घर जाता नहीं मिलने आजकल पड़ोसी बोलते नहीं आजकल आदमी आदमी नहीं रहा समाज समाज नहीं रहा मोहल्ला मोहल्ला नहीं रहा मिलना मिलना नहीं रहा बिछुड़ना बिछुड़ना नहीं रहा छोड़िए ये सब तो बातें हैं बात की मगर एक सच है जिसे करते हैं महसूस सभी मन में पर हिचकते हैं कहने में और वो यह है कि जिंदगी जिंदगी नहीं रही आजकल क्या बात है सार्थ? और वह यह है कि जिंदगी जिंदगी नहीं रही आजकल पड़ोसी बोलते नहीं आजकल बचे हैं पड़े हैं घरों में अधिकतर अधेड़ और बूढ़े <स्थ> <स्थ> बचे हैं पड़े हैं घरों में अधिकतर अधेड़ और बूढ़े उनके युवा लड़के और लड़कियां दूर चले गए हैं कहीं अपने बच्चों के साथ अच्छे से पैकेज पर दूर चले गए हैं कहीं अपने बच्चों के साथ अच्छे से पैकेज पर जैसे बढ़ता जाएगा पैकेज वैसे बढ़ती जाएगी दूरियां घर की और मन की भी जैसे बढ़ता जाएगा पैकेज वैसे बढ़ती जाएंगी दूरियां घर की और मन की भी नहीं पाट सकेंगे कभी मोबाइल इन दूरियों को क्योंकि विकल्प नहीं जन्मा आज तक दुनिया में स्नेह और ममता का जानकर या असलियत को लोग क्यों हो रहे अनजान से आजकल पड़ोसी बोलते नहीं आजकल हाँ पूछते हैं हालचाल संयोगवश टकरा जाने पर हाँ पूछते हैं हालचाल संयोगवश टकरा जाने पर कभी स्टेशन पर बस अड्डे पर या कभी बाजार में अरे लेकिन बड़ी मुस्कान वो उनकी जालिम रहस्यमयी आडंबर की चरम सीमा परिभाषित करती हुई बन जाती है ढाल ढालसी उनमें छिपे अलगाव की कि उनका वह मिलना नकली बातें नकली कहना नकली सुनना नकली और तो क्या उनका वह हंसना भी नकली और तो क्या उनका वह हंसना भी नकली कि न हंसने लायक बात पर भी हंस देना उनका और वह भी बेमन से ताकि भीतर का किसी से मतलब नहीं रखने वाला रूखापन झांसा अभिनय से अपनत्व का लोग आपस में हो गए क्यों अजनबी से आजकल पड़ोसी बोलते नहीं आज क्या बात है सर आपने वास्तव में आज के इस समाज का जो वास्तविक चित्रण किया है आपकी इस रचना के अंदर वो अद्भुत है सर तारीफी काबिल है और इस साथ में स्पेशली आपने जो बात कही कि जैसे बढ़ता जाएगा पैकेज बढ़ती जाएंगी दूरियाँ सर ये आज के समाज का एक वास्तविक चित्रण है आ, सर मैं जानना कि सर जब आप शोध कार्य कर रहे थे क्योंकि कहा जाता है कि सर शोध कार्य बहुत मेहनत वाला और साथ में धैर्यपूर्ण कार्य है <coughs> आपने स्वयं ने पीएचडी की डिग्री की और जब आपके सानिध्य में जिन स्टूडेंट्स ने पीएचडी की डिग्री की तो सर इन दोनों वक्त के बीच में आपने किस तरह का अंतर महसूस किया मैं जब शोध कर रहा था तो इस बात को चालीस साल हो गए 1980 से मैंने शोध शुरू किया था दो तीन साल लगे और उस समय मैंने जबकि मैं कोर्ट में नौकरी करता था न्यायपालिका मेरी सर्विस थी और न्यायालय में रहती हुई दस बारह घंटे काम दिल में मैं करता था ऑफिस का न्यायालय का उसके बाद फिर मैं रात को पीएचडी अपने लिखता था पढ़ता था और लाइब्रेरी में जाके घंटों खड़ा रहता था उस समय जो शोध की जो क्वालिटी थी जिसको कहते हैं गुणवत्ता थी वो अब नहीं पाई जाती क्योंकि मैंने स्वयं पीएचडी करवाई है छह जनों को और इसीलिए करवाना फिर छोड़ दिया कि मैं इस बात से दुखी हो गया कि शोध का स्तर शोध छात्रों का जो एकेडमिक कैलिबर वो लगातार गिर रहा है और उनमें वो नहीं है जो मुझे अपेक्षा है मुझे चाहिए इसलिए मैंने पीएचडी कराना बंद कर दिया छः को उपाधि दिलवाई और मैंने महसूस किया और जगह भी मुझे जाना पड़ा विश्वविद्यालय में तो ये लगा कि शोध के नाम पर विवेचन और आलोचना हो रही है और हिंदी साहित्य में जो विधाएँ हैं उसमें शोध एक अलग विधा है आलोचना एक अलग अलग विधा है ऐतिहासिक आलोचना ज़रूर है पर ऐतिहासिक आलोचना में भी शोध नहीं आता शोध की कुछ प्रविधि आती है जी तो जिस तरह से आजकल शोध हो रहा है वो मुझे लगता है कि उसमें विश्वविद्यालय ने नियम कड़े किए हैं पहले के लिए क्लासें चलाने लगी प्री पीएचडी एच क्लासें चलने लगी है शोध प्रक्रिया पर उनको पढ़ना पड़ता है उसके बावजूद मुझे लगता है स्तर में सुधार नहीं है और आलोचना शोध नहीं हो सकती शोध की एक परिभाषा जो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दी है बहुत एक ही लाइन में परिभाषा शोध क्या होता है नए तथ्यों की खोज नए तथ्यों की खोज अथवा ज्ञात तथ्यों की नई व्याख्या शोध होता है क्या बात है सर जो आजकल जो शोध पीएचडी हो रही है एम हो रही है उसमें न तो नए तथ्य आ रहे हैं न तथ्यों की कोई नई वो विवेचना हो रही है और बस जो पहले से लिखा हुआ है उसको जोड़ तोड़ करके एक कोटेशन इधर का एक कोटेशन इधर का और भानुमती का पिटारा बना करके और ले आते हैं और मुझे लगता है कि इसमें जो गाइड होते हैं सुपरवाइजर और प्रोफेसर होते हैं उनके सद्भाव और मैत्री भाव से उसको उपाधि मिल जाती है बल्कि वो इस लायक नहीं होता होगा ऐसा मेरा मानना है यानी कि सर जो स्टूडेंट शोध कार्य में आना चाहते हैं उनको सर वास्तविक धरातल स्तर के ऊपर मेहनत करनी बहुत ज़रूरी आवश्यक है क्योंकि जब तक वो मेहनत का विकल्प नहीं चुनेंगे तो वो शोध कार्य में प्रवीण नहीं हो सकते आपका ऐसा मानना है सर जो हमारा भारतीय दर्शन है सभ्यता और साथ में संस्कृति है उसमें बहुत सारे साधु संतों को जो आध्यात्मिक गुरु हैं उनको बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है विशेष तौर से सर हिंदी साहित्य में और, सा, और साथ में संत रविदास के जो विचार थे उनको भी बड़ी प्रमुखता से हिंदी साहित्य में स्थान दिया गया ताकि जनमानस तक उनके विचार पहुंच सके तो आप संत रविदास के विचारों को लेकर के किस तरह व्याख्या करना चाहेंगे रविदास के बारे में कुछ बातें कहना चाहूँगा जी सबसे पहले तो ये है कि उनका जन्म कब हुआ कहाँ हुआ ये अभी ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित नहीं हुआ है और विद्वानों के अलग अलग राय हैं किसी एक राय को मानना उचित नहीं होगा इतना तय है कि पंद्रहवीं से सोलहवीं शताब्दी के बीच में रविदास हुए और काफ़ी लंबी उम्र उन्होंने पाई ऐसा लगता है रविदास का जो व्यक्तित्व है वो सबसे पहले मुग्ध करता है क्योंकि ये नियम है कि जो आदमी जैसा होता है वैसा ही लिखता है जी जैसा परिवेश होता है जैसा व्यक्ति का मन होता है वैसा ही वह वै लिखता है उसका कारण ये है कि भीतर के जो विचार हैं भाव हैं वो उसके शब्दों में आएंगे चाहे वो बोले चाहे लिखे रैदास का जो व्यक्तित्व था बिल्कुल निरीह एक साधारण सहज और एक बहुत ही विनम्र इंसान का व्यक्तित्व था हमारे जीवन में क्या आदमी नाटकी बहुत होते हैं या फिर वो ऐसे जिसको कहते हैं हिपोक्रेट होते हैं और हैं कुछ बताना कुछ और चाहते हैं और ऐसे निर्गुण संतों में ऐसा एक भी आपको नहीं मिलेगा प्रगल्भता जरूर मिलेगी जैसे कबीर दास में है कबीर प्रगल्प थे बोल्ड थे और दो टूक कहते थे निर्भीक थे और इधर रहीदास और दादू दयाल ये ऐसे संत महात्मा हो गए जिन्होंने बिल्कुल विनम्र भाव से जो कुछ लिखा और भक्ति में डूबे हुए गहरे डूबे हुए भक्ति में उन्होंने लिखा तो उनकी सहजता वो मुक्त करती है उनकी कविता में भी सहजता है शब्दों में भी सहजता है कोई शास्त्र वास्त्र पढ़े नहीं थे एक अछूत जाति में जन्मे और उन्होंने अपना जिस तरह जीवन को उज्ज्वल बनाया उससे राजे महाराजे महारानी सब उनके भक्त थे लेकिन कभी किसी से कोई अपेक्षा नहीं की वो अपने बस जो भी व्यवसाय थे उनका जूते वगैरह गांटने का उससे अपने रोज चलाते रहे उनको पारसमणि देने के प्रलोभन दिया गया उनको सोना का कोई आभूषण दिया गया लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया तो ये सहजता में समझता हूँ कि बहुत बड़ा गुण है जो कम होता जा रहा है इसका एक उदाहरण है मुझे गोरखनाथ का एक दोहा याद आया संत गोरखनाथ बहुत पहले हो गए हजार साल पहले उन्होंने बात कही है कि सहज रहना मनुष्य का स्वभाव होना चाहिए हब के न चलीबा ठुम के न चलीबा हब के न बोलीबा धीरे धरीबा पाव गरबने न करीबा सहजे रहीबा भणंत गोरख राव गोरखनाथ कहते हैं कि सहज रहना सबसे बड़ी तपस्या है और इसमें रेदास का जवाब नहीं इतने सहज थे कि उनका कोई उनका हमने कहीं छू भी नहीं गया था रेहदास को लेके दो चार किताबें अभी आई है मेरे ध्यान में जिनके बारे में बताना चाहूंगा एक तो है ये सदानंद साही ने रेदास के जो पद हैं जिस भाषा में मिलते हैं 500 वर्ष पुरानी भाषा में उसका हिंदी काव्यानुवाद किया है क्या और उसका बहुत सुंदर नाम दिया है मेरे राम का रंग मजीठ है ये नाम दिया मजीठ रंग चमड़े का भी होता है जो भूरे और आ, भूरे और बादामी रंग के बीच का होता है जो चमड़े का रंग होता है तो मजीठ रंग उसको कहते हैं और यही व्यवसाय रविदास का था तो उनका राम उसमें उसी रंग वाला है एक दूसरी किताब आई है वो है राग रविदास ये आलोचनात्मक लेखों का संकलन है जो सेतु प्रकाशन से छपा है और बचपन से ये हरिभक्त थे रहिदास यानी मुझे लगता है सात आठ वर्ष की अवस्था ही से ही एकांत में भक्ति करने लगे थे अपने ध्यान में रहते थे पिताजी को चिंता हुई फिर इनकी शादी करा दी शादी भी कर ली सबको फिर फिर भी इनका भक्ति का सिलसिला चलता रहा दो किताबें और हैं एक अंग्रेजी में लिखी है गेल ऑमवेट की किताब है एंटी कास्ट इंटेलेक्चुअल इसमें रेदास को अलग ढंग से देखा गया है और एक है रेदास की कल्पना का राज्य सीकिंग बेगमपुरा इसके दो अर्थ हैं सिकिंग मतलब बेगमपुरा का मतलब यह है कि वो बादशाहों के नवाबों के बेगम नहीं बेगम जिसमें कोई दुख नहीं हो ऐसा राज्य होना चाहिए जिसमें कोई भी गम राम, ना हो हाँ राम राज्य हाँ गम से रहित गम से तो बेगमपुरा सीकिंग बेगम ऐसी रहदास की अपेक्षा थी ऐसा एक लेखक ने इसमें लिखा है और गांधी का जो राम राज्य था ऐसा ही सपना रेदास का बेता हर एक अच्छा इंसान चाहेगा कि लड़ाई झगड़े बंद हो और ये हिंसा द्वेश वगैरह सब समाप्त हो प्रेम का साम्राज्य हो ऐसी कल्पना की गई है एक में उनका बहुत प्रसिद्ध पद है उसके कुछ लाइनें बोलना चाहता हूँ बिल्कुल प्रभु जी तुम चंदन हम पानी प्रभु जी प्रभुजी तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग बास सुहानी प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा जैसे चितवत चंद चकोरा प्रभु जी तुम दीपक हम बाती जाकी ज्योत जरे दिन राती खुद अपने बारे में उन्होंने एक दोहा लिखा देखिए उससे रेदास के आपको वो सारा नजर आएगी पृष्ठभूमि जा देखे घिन उपजे जिसको देखते से घृणा उत्पन्न हो लोग नाक वाक दबा दे और बदबू आ र ऐसा कहें जा देखे घिन उपजे नरक कुंड में बास प्रेम भगत सो ऊधरे प्रकटत जन रेदास तो रेदास ने ऐसी मतलब जिसको कहते हैं बहुत ही खराब परिस्थितियों में जन्म लेके जीने के बावजूद अछूत जाति में जीने के बावजूद सबके वंदनीय बने महाराजाओं के महारानियों के इसका मतलब ये है कि वंश जाति कुल से भक्ति का संबंध नहीं है जी। भक्ति किसी में भी कहीं से भी उत्पन्न हो सकती किसी में भी इसलिए किसी उच्च कुल वाले को अभिमान नहीं करना चाहिए कि ऊंचे वंश में पैदा हुआ है और अछूत जाति में जन्म को कभी शर्म महसूस नहीं करने के लिए जाति पाति हमारे भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा जिसको कहते हैं ना आक्षेप वाली बात है जिसको हमारी भारतीय संस्कृति के लिए आलोचना होती है खैर एक चौपाई मुझे याद आ रही जाति पात पूछे नहीं कोई हरि को भजे हरि का होई एक राजस्थानी में बढ़िया दुआ है जो करसी उणरी हु नूती है जो करसी उणरी हुसी आसी बिन नोती है ये नह किनरा बापरी भक्ति रजपूती क्या बात है सर आपने बिल्कुल सही कहा और साथ में सर वैसे भी कहा जाता है कि भक्ति और साथ में ज्ञान कभी भी सर मतलब सबके लिए बना हुआ है और साथ में जो इंसान भक्ति और साथ में ज्ञान के सागर में गोता लगाएगा वो सर इंसान उतना ही अपने जीवन में आगे बढ़ता जाएगा और साथ में वैसे भी संत रैदास का व्यक्तित्व इतना विराट और साथ में और साथ में इतना वैभवशाली है कि उन्हें हम शब्दों में बांध ही नहीं सकते क्योंकि उनका व्यक्तित्व बहुत उच्च दर्जे का था और साथ में आज तक विचारों को पहुंचा जाता है सर, हिंदी में रस होते हैं। तो आप उससे संबंधित कोई अगर आपके पास में हो तो आप हमारे साथ दर्शकों के लिए पेश कर सकें अब देखिए जमाना पलट रहा है और मुझे याद आ रहा है जब मैं एम ए पढ़ाता था आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक निबंध था लंबा चालीस पेज का कविता क्या है जी वाट इज पोइट्री उसमें शुक्ल जी ने कुछ भी नहीं छोड़ा आज के जमाने की जो बीसवीं इक्कीसवीं शताब्दी का जमाना उसके सारे लक्षण उसमें लिख दिए कि कविता क्या होगी जमाना कैसा होगा तो ये जैसो जो सिद्धांत है साहित्य समाज का दर्पण अपने आप में सौ प्रतिशत सही है उसमें शुक्ल जी लिखते हैं कि जैसे जैसे मानव जीवन और सभ्यता जटिल होती जाएगी जितनी उलझी हुई होती जाएगी कविता और साहित्य भी उतने ही जटिल उतने उलझे हुए होते जाएंगे तो जैसा आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया साइबर का युग आ गया है और लोग बहुत भाग दौड़ में व्यस्त हो गए हैं लोगों की गति बढ़ गई है और सारा सारा परिवेश बदल गया है तो इसमें हमें देख रहे हैं कि कविता भी वैसे ही जटिल होती जा रही है जी। कई कविता तो मेरे समझ में नहीं आती और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जिस तरह से ये कविताएं और कहानियाँ और साहित्य आने लगा है तो मुझे डर है कि साहित्य का इतना इन्फ्लेशन जिसको कहते हैं अवमूल्यन या गिरावट कभी नहीं हुई मात्रा बढ़ी है साहित्य की वो तो उसमें प्रतिमाएं उभर के नहीं आती और जिसको कहते हैं गुणवत्ता गिर रही है और मात्रा बढ़ रही है तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में साहित्य आने की वजह से एक ये भी हुआ है उसको यूँ भी कह सकते हैं अच्छे नज़र से कि भाई साहित्य सारा जन जन तक पहुँच रहा है लेकिन जो जन जन तक पहुँच रहा है वो सही साहित्य नहीं है और जहाँ तक कविता का सवाल है कविता आजकल जो लिखी जा रही है मेरा मेरा ही मानना है कि देखिए तीन चीज़ें कविता का आधार होती हैं जो रचना कालजयी बनती है कालिदास का काव्य है प्रसाद का काव्य है गुप्त का है और भी महान कवियों का है तो उसके पीछे तीन आधार होते हैं एक तो यह एक भाव प्रमुख मैं मानता हूँ कविता हमेशा इमोशन बेस्ड होती है कविता भाव आधारित है ये सबसे पहला कविता का मूल आधार है दूसरा उसमें कोई विचार होना चाहिए थॉट होना चाहिए मनुष्य समाज के लिए जाति के लिए मनुष्य के भलाई के लिए कोई विचार होना चाहिए बिना विचार के भाव भी कुछ हाँ अच्छी कविता नहीं बनाता तो भाव विचार और तीसरा जो कविता का खास गुण है जो कविता को बिंबात्मक बनाता है वो है ऐंद्रिक बिंब होने समझ जी हाँ ऐंद्रिक बिंब जिसमें हमें लगा हम कविता सुनते या पढ़ते भी हमारे दिमाग में चित्र बने वो सच्ची कविता होगी कालिदास का काव्य पढ़ते हुए यही होता है कामायनी का जो तीसरा सरगज में श्रद्धा का सौंदर्य का वर्णन किया प्रसाद ने तो उसको आंखें बंद करके सुनो तो हमें जैसा लग रहा है फिल्म चल रही है श्रद्धा की और मनों की उस तरह से ये कविता का काल जी का गौणा है फिर दूसरा प्रश्न ये भी आता है कि श्रेष्ठ कविता में लोकप्रिय कविता में अंतर है हर लोकप्रिय रचना श्रेष्ठ नहीं होती और हर श्रेष्ठ रचना लोकप्रिय नहीं होती कामायनी को सब नहीं पढ़ते क्योंकि वो श्रेष्ठ रचना है इसका मतलब ये नहीं कि सब नहीं पढ़ते इसका मतलब वो रचना कोई हल्की हो ऐसा नहीं है लेकिन उसको पढ़ने वालों का वर्ग अलग है गोदान है मुंशी प्रेमचंद का गोदान को सब पढ़ सकते हैं सब समझते हैं तो ये मुंशी प्रेमचंद की विशेषता है कि गोदान में लोकप्रियता भी है और श्रेष्ठता भी है दोनों गुण उसमें एक साथ बहुत अच्छी बात है सर आपने बिल्कुल सही बात कही कि सर हर एक चीज का एक सर वर्ग होता है जो इसको बहुत ज्यादा पसंद करता है और साथ में वो उसी के अनुरूप व्यवहार भी करता है तो सर आपने जैसे बहुत सारी कविताएं लिखी हैं सर बहुत सारी रचनाएं लिखी हुई हैं आपके सामने सर है समक्ष हमारे सामने पुस्तक भी रखी हैं तो सर दो चार कविताएं सर जो आपको और ज्यादा पसंद हो सर हमारे दर्शकों के लिए आप सर पेश कर सके हाँ एक और मैं आपको रचना सुनाता हूँ मेरे दूसरे संग्रह से ये चूंकि आपने चर्चा कविता की चलाई तो उस कविता के बारे में ही है कि कविता क्या होनी चाहिए कविता लिखने से पहले सौ सो बार सोचना चाहिए आपका हर लिखा हुआ कविता नहीं होता और खास करके जो मैं जिसमें दुखी हूँ जिस बात से वो मुक्त छंद से दुखी हूँ जो छंद सिद्ध है वही छंद मुक्त हो सकता है जिसने छंद को छुआ ही नहीं वो छंद मुक्त क्या होगा तो तो पहले से ही मुक्त है कुछ भी लिखे कहीं भी कर ले तो छंद मुक्त से गद्य गद्दगी इतनी भरमार हो गई है कि कविता ढूंढना मुश्किल है उसमें और हर कोई कवि हो गया है कवि होना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है बहुत बड़ा दायित्व है सामाजिक दायित्व है और अपने पर कविता का शीर्षक है से क्या बच पाओगे जो स्थितियां चारों तरफ कवि के बनी हुई है कवि को संबोधित है कि तुम जहां खड़े हो चारों तरफ देखो क्या हो रहा है क्या बच पाओगे यात्रियों की फेंकी झूठन खाकर यात्रियों की फेंकी झूठन खाकर प्लेटफार्म पार करने की सीढ़ियों के नीचे घुटने सिकोड़कर सोया हुआ वो लावारिस बच्चा यात्रियों की फेंकी झूठन खाकर प्लेटफॉर्म पार करने की सीढ़ियों के नीचे घुटने से कोड़कर सोया हुआ वो लावारिस बच्चा तुम्हारी कविता को चुनौती है करोगे मंजूर तुम्हारी कविता को चुनौती है करोगे मंजूर लाल बत्ती हो जाने से रुकी हुई कार का शीशा ठक थक ठकाकर लाल बत्ती हो जाने से रुकी हुई कार का शीशा ठक ठकाकर फैली हुई हथेली मांगती है तुम्हारी कविता का सही अर्थ दे सकोगे फैली हुई हथेली मांगती है तुम्हारी कविता का सही अर्थ क्या दे सकोगे खूबसूरत डायरी में है तुम्हारी कविता खूबसूरत डायरी में है तुम्हारी कविता फुर्सत के कवि हो तुम शोकिया शायर हो बकरी के गले में लटके दिखावटी स्तन की तरह शोक शायर हो बकरी के गले में लटके दिखावटी स्तन की तरह एक और बिम्बे तेल से चिंगटी डलिया को हाथ में लटकाए जय शनि महाराज उचारती मैली कुचैली वो लड़की तुम्हारी कविता पर लगाती है पलीता तेल से चिंगटी डलिया को लटकाए हाथ में जय शनि महाराज उचारती मैली कुचैली वो लड़की तुम्हारी कविता पर लगाती है पलीता बचा सकोगे खुद को और कविता को बचा सकोगे खुद को और कविता को कि एक भूखी दहाड़ है ये जमाना और तुम धापे हुए पेट की डकार हो एक भूखी दहाड़ है ये जमाना और तुम धापे हुए पेट की डकार हो शाण पथ छोड़ दो मित्र खतरे में हो तुम और तुम्हारी कविता बच पाओगे क्या बात है सर आपने जिस तरह से समाज का जो वास्तविक चित्रण आपके शब्दों में किया वो वास्तव में तारीफे काबिल है और सर वे कहते हैं कि सर साहित्य समाज का आईना होता है दर्पण होता है और साथ में साहित्यकार की समाज में एक महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारी होती है कि वो जनता के समक्ष एक अच्छा साहित्य लेकर के आए आज आप सर हमारे बीच में पधारे इसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सर आपने आपका एक बार पुनः हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं कि आपने आपका अमूल्य समय हमें दिया पर।, पर लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि जो वक्त के साथ में चलता है वो इंसान निश्चित तौर पे अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करता है और साथ में घड़ी की सुइयां अब हमें भी इशारा दे रही हैं परंतु जाने से पहले मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा अब आप आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम धरती धुरारी को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं इसके लिए आपको स्क्रीन पर दिखाए जा रहे क्यू कोड को स्कैन करना है और साथ में दिए गए लिंक पर क्लिक करना है और इसके साथ साथ आप हमसे फेसबुक और साथ में ट्विटर के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं तो फिर देरी किस बात की उठिए और साथ में जुड़िए हमसे और साथ में आपके प्यारे से शो धरती धुरारी को अब आप यूट्यूब पे भी देखना शुरू कीजिए और मिलेंगे एक नए एपिसोड में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत